हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ाई करने के लिए। आप हर एक दिन कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड जिसने भी मेरा ये वीडियो देख रही है, वो पहले खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखिए सही है या गलत है। सो मैं मेरा पिछला वीडियो में डिस्कस किया था रेवेन्शा यूनिवर्सिटी 2016 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 14 तक। एंड उस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 से 40 या 50 तक। सो अगर आपको उस वाले वीडियो देखना है तो ऊपर वाले आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उधर आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15, कॉडी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ HgCl इज सॉल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, HgNH3 होल 2+। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एलिमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम इज ए सिंथेटिक एलिमेंट। उसके बाद 17, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट, एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द शेप ऑफ NH4+ आयन इज, एंड द करेक्ट आंसर इज ए टेट्राहेड्रल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक फ्रैगमेंट इज आइसोलोबल विथ MnCO4, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए CuCO3, क्योंकि MnCO4 में 15 इलेक्ट्रॉन है एंड CuCO3 में भी 15 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिया सिंथेसिस बाय हैबर्स प्रोसेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इट शिफ्ट्स द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल एम इन द 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, एंड द स्पेसीज इज गिवेन, एंड इसके लिए करेक्ट आंसर है Fe इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, उसमें कौन सा मेटल क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक ब्रोंस्टेड लोअर एसिड, एंड द करेक्ट आंसर इज डी इज वीक ब्रोंस्टेड लोअर एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अमंग द मेटल्स मैंगनीज फेरस कोबाल्ट निकेल द वंस दोज वुड रिएक्ट इन इट्स नेटिव फॉर्म डायरेक्टली विथ कार्बोनिल गिविंग मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी Fe एंड Ne। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स द स्पेसीज आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी Ni2+ कैन हैव टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इन बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 27, द इमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल फ्रॉम ए न्यूक्लियाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आइसोबार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन DSP2 का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द शेप ऑफ CIF3 इज, एंड द करेक्ट आंसर इज टी शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लानर निकेल टू कॉम्प्लेक्स हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 1.78। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव इज जीरो फॉर एन आइडियल गैस, एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। सो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, सो इसका आंसर मुझे कमेंट करके आपको बताना है, जरूर बताना कमेंट में उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज रिजिड वेसल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द एग्रीगेशन ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइसिल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन इज। सो आपको इस क्वेश्चन देखने के बाद आपको आप सोचते हैं कि उसका आंसर 8 आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कोई भी एसिड का pH 7 से ज़्यादा नहीं होता है, बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है, एसिड का pH 7 से कम होता है, एंड जो न्यूट्रल है उसका pH 7 होता है। सो अब उसका आंसर 8 कैसे होगा, उसका आंसर तो अगर 8 होगा तो वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उधर लिखा है HCl दैट मीन्स वो एसिड है, एंड उसका आंसर जो सही आंसर होगा उसका आंसर है 6.98 इज करेक्ट आंसर। तो कैसे हुआ अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट करके बताना, मैं उसका कैसे हुआ उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंड उसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 39, 8 ग्राम ऑफ CH4 एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड एंड केप्ट एट 760 mm प्रेशर एट 273 केल्विन, द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर विल बी, एंड द करेक्ट आंसर इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू NRT को यूज़ करना है। यहाँ पर हमको प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, सो पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6, 33.6 लीटर। आपको इसका आंसर कैसे हुआ अगर पता नहीं है तो कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 40, टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन केएसपी फॉर दिस स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट पी बी आई ओ थ्री रो होल टू इज इक्वल टू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, जूल थॉम्सन कोफिशियंट म्यू फॉर एन आइडियल गैस इज, आंसर इज ऑप्शन ए 0। सो फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।